नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजभवन कूच किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस भवन इकट्ठा हुए और लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ के नारे के साथ राजभवन पहुँचे। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। देश भर में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी धन बल का इस्तेमाल कर चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रही है, जिसको लेकर अब कांग्रेस इसके पूरे देश में विरोध कर रही है। और आज पूरे देश भर में सभी राज्यों के राजभवन में कांग्रेस ने कूच किया। इस कड़ी में उत्तराखंड में भी लोकतंत्र बचाने को लेकर कांग्रेस ने राजभवन का रुख किया। तरीके से केंद्र सरकार के इशारे पर देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसके विरोध में आज उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस के लोग राज्यपाल महोदय के आवास पर कूच करने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, देश के अंदर लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है। गोवा के अंदर सबसे बड़ा दल कांग्रेस का था, उसे सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया गया, वहाँ पर भी लोकतंत्र की हत्या है। इसी तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, उसको गिराने का काम हुआ। गुजरात और अन्य प्रदेशों में लगातार विधायकों की खरीद फरोख्त करने का काम केंद्र सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार को भी गिराने का काम जो है आपके सामने, आप सबने देखा कि केंद्र के इशारे पर किया गया। अब राजस्थान के अंदर जो सरकार है, उस सरकार को भी जो है गिराने का प्रयास जो है सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम सदन बुला करके जो है बहुमत भी सिद्ध करना चाहते हैं और जो अन्य विषय है, कोरोना जैसी महामारी है, उस पर भी जो चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन मध्य राजस्थान के राज्यपाल का जो एक्ट है, निश्चित रूप से वो लोकतंत्र की हत्या करने वाला एक्ट है, इसलिए आज हम कूच करने का काम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहिए उत्तराखंड खबर के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।